नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप कोई भी फ़ोन डेबिट कार्ड EMI में बुलवा सकते हैं। मतलब कि आपके पास ATM कार्ड है तो उसकी मदद से आप Flipkart से कोई भी फ़ोन EMI में करवा सकते हैं। चलो बात करेंगे कि किस तरीके से आप ये सारे काम करेंगे। सबसे पहले यार देखो, आप लोगों को ये वीडियो कुछ इस तरीके की यहाँ पर चल रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको मोर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर जो अपना व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा तो आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। तो जब भी ये सेल चल रही है ना, अभी बिग बिलियन डे सेल चल रही है और आने वाले टाइम पे काफ़ी सारी और भी फेस्टिवल सेल्स वगैरह आएंगी, तो मैं आप लोगों के लिए जो भी लूट वाले ऑफ़र रहेंगे, जो भी कम रहेंगे, वो मैं अभी आज रात को भी काफ़ी सारे ऑफर्स आप लोगों को बताऊंगा जिनको आप बहुत ही कम दाम में खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल भी अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप यहाँ पर फॉलो वाले बटन में क्लिक करके आप हमारे चैनल को सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा और जो भी चीज़ें, जो भी ऑफ़र्स वगैरह रहेंगे, यहाँ से आप नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखना तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब चलो बात करते हैं कि अपन कैसे डेबिट कार्ड EMI से करवा सकते हैं। बात करूँ मैं यहाँ पर, सबसे पहले आपको जो भी फ़ोन लेना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे सैमसंग गैलेक्सी F5G जो फ़ोन है इसको परचेस करना है, तो इसको मैं कैसे डेबिट कार्ड EMI में करवा पाऊँगा और आप चेक कैसे कर पाओगे कि भाई ये डेबिट कार्ड EMI में है या नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो भाई अपने को फ़ोन की स्पेसिफिकेशन वगैरह चेक कर लेना है कि भाई हाँ ये बढ़िया है नहीं है। नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिएगा तो देखने को मिलेंगे आपको कि भाई रिव्यू इनके कैसे रहे हैं, लोगों ने कैसे रिव्यू दिए हैं। तो कुछ इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें देख लेना कि भाई इसका डिज़ाइन वगैरह, कैमरा क्वालिटी, बैटरी क्वालिटी, हर चीज़ आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि भाई एक फ़ोन ले रहे हैं। और ध्यान रखना, आपकी जो फ़ोन की वैल्यू है वो 6,000 रुपये से ऊपर की होनी चाहिए, तभी आप उसको डेबिट कार्ड EMI में करवा पाएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रख लेना। सबसे पहले बात करते हैं आप लोग कि भाई ये फ़ोन EMI में है या नहीं है। तो आप जैसे ही आओगे ना, तो यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर साफ साफ मेंशन होगा कि भाई 1,277 रुपये पर मंथ, मतलब कि ये फ़ोन जो है EMI में है। और यहाँ पर आप लोग देखो 11,499 रुपये ये यहाँ पर कह रहा है कि भाई हाँ ये सारी चीज़ें जो एक्चुअल प्राइस है वो 11,490 रुपये है इसकी, ठीक है। और अब बात करते हैं कि कैसे आप चेक कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिटेल्स वाला ऑप्शन एक टैब मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आता है कि भाई नो कॉस्ट EMI का, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि डेबिट कार्ड का ऑप्शन कैसे आएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है सो बैंक्स ओनली, अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि भाई कौन कौन सा जो कॉस्ट है, नो कॉस्ट EMI वाला, मतलब कि कोई भी कॉस्ट नहीं लेने वाला बैंक जो भी है, यहाँ पर जो भी कार्ड है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल ये HDFC बैंक, अगर आप ICIC इनसे लेते हैं तो आपको नो कॉस्ट EMI देखने को मिलेगी, मतलब कि आपके EMI में कोई भी यहाँ पर चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग इनकी किस्त देख सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक काफ़ी अच्छा अभी के टाइम पे डिस्काउंट दे रहा है, अगर आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना रखा हूँ, आप उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरीके से आप इस कार्ड को ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो ये नो कॉस्ट EMI पे अवेलेबल है, 11,490 रुपये पर मंथ की आपकी यहाँ पर EMI बनने वाली है। और ये रहेगी, आप लोग देख सकते हैं, अगर मतलब कि अलग अलग टाइप से हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 3,800 ये 3 महीने की बनेगी, 1,915 की यहाँ पर 6 महीने के लिए बनेगी, और 1,277 की 9 महीने के लिए बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं भाई अपना इम्पोर्टेंट कि भाई डेबिट कार्ड EMI से कैसा होगा, ठीक है। तो देखो, अब आपको जो भी फ़ोन परचेस करना है यहाँ पर आप अपने कार्ड में ऐड करना और बाय नाउ में क्लिक कर देना, उसके वेरिएंट वगैरह आप सेलेक्ट कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। इसके जस्ट बाद नेक्स्ट पेज में आपके सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अलग अलग फ़ोन में अलग अलग ऑफ़र अवेलेबल रहते हैं। वेल ये मैं पहले का दिखा रहा हूँ, जो एक और फ़ोन में ऑफ़र अवेलेबल था उस टाइम मैंने इसको वही करा था। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें, प्लान्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा। वाई नाउ वाले आप बटन में क्लिक करना और यहाँ से सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जो कि जितने भी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं वो उनके जो ऑफ़र्स वगैरह हैं सारी चीज़ें आपको शो होगी। अब बात करते हैं कि भाई अपना जो डेबिट कार्ड है वो कौन से बैंक में अवेलेबल है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, और आप चेक कैसे कर पाओगे कि आपका कौन सा बैंक का जो डेबिट कार्ड है उसमें ये डेबिट कार्ड EMI वाला फीचर है या नहीं। तो मैं वही नाउ में क्लिक करूंगा और यहाँ पर हमको कुछ प्रोडक्ट ऐड करने को कह रहा है, तो इसको मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपको स्किप एंड कंटिन्यू में आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आप लोगों देखो नेक्स्ट पेज में आपके सामने कुछ इस तरीके का ये ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, कंटिन्यू वाले बटन में क्लिक करना है
और इसी के साथ साथ देखो आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको चौथे वाले नंबर पर ऑप्शन पर आ जाना है, ईजी इंस्टॉलमेंट EMIs वाले में, ठीक है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप नीचे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट पेज है उसके ऑप्शन में यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन में आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके जस्ट बाद देखो नेक्स्ट पेज वो आपके सामने कुछ इस तरीके निकल के आएगा, जहाँ पर पहले फ्रंट में आपको क्रेडिट कार्ड्स में EMI देखने को मिलेगी। देन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड EMI का फीचर आएगा, जो भी बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स के बैंक होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे अदर ऑप्शन में आपको जो भी आपका ऐड करे होंगे, आप लोग एक वीडियो को देख लेना जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड EMI का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखो मेरा HDFC बैंक का डेबिट कार्ड है, उसमें जो EMI का फीचर है वो यहाँ पर अवेलेबल है, और मैं इससे यहाँ पर चूज़ प्लान, जो भी मुझे प्लान चाहिए वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके डेबिट कार्ड में है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर एक SMS टाइप कर देना DCEMI और ऊपर जो नंबर दिख रहा है आपको उसमें आपको यहां पर सेंड कर देना है। इससे वो बैंक वाले आपको बता देंगे कि भाई आपका जो डेबिट कार्ड है उसमें EMI का फीचर अवेलेबल है या नहीं है। और कुछ इस तरीके से आप डेबिट कार्ड के थ्रू, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके के मैसेज निकल के आ जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर अवेल EMI योर HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। तो कुछ इस तरीके से आप डेबिट कार्ड के थ्रू EMI से फ़ोन ऑर्डर कर पाएंगे। आई होप आपको कोई भी डाउट होगी या फिर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को जाते जाते एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।